गाइस मैंने ना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और मैं बिंज वॉच करना चाहता हूँ नेटफ्लिक्स पूरे साल भर, बट अब मेरे एग्जाम्स आ गए, इस महीने में नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो ये अच्छी बात है ना, इट्स नॉट अ बिग इशू। दी क्या बात करो, बड़ी बात तो है ना, मैंने मंथली सब्सक्रिप्शन वाला प्लान ले रखा था और अभी इस महीने है तो उन्होंने पैसे काट दिए होंगे मेरे। No, Aditya, haven't you heard about the new RBI guidelines where it is said that bank will notify you 24 hours before the payment get deducted? Then you would have received the notification, na? So go and cancel it. Notification? पता नहीं, शायद मैंने देखा था नहीं देखा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। बट हमने RBI सर्कुलर वाली बात की ना, ये तो मुझे पता ही नहीं। मैं जानता हूँ, गाइज आपको भी जानना है, चलो अपन साथ में देखते हैं न्यूज। नमस्ते, आज की खबर में आपका स्वागत है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट RBI सर्कुलर ऑन प्रोसेसिंग ऑफ ई मैंडेट्स ऑन कार्ड्स फॉर द रिकरिंग ट्रांजैक्शंस। आई नो ये बहुत ही भारी शब्द है, समझाती हूँ समझ जाएंगे, बट उससे पहले एक और भारी लाइन सुन लो कि RBI इज मैंडेटेड ऑल द बैंक्स टू डेवलप अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग पेमेंट्स। अब इस न्यूज़ को हम थोड़ा डिटेल में और ब्रेक करके समझते हैं। For example, whenever you make a payment to Swiggy, Netflix, like your subscription apps, or you can also call them merchants, क्योंकि आगे मैं इन्हें merchants ही बोलूँगी तो please confuse मत होना। Then usually होता क्या है, जो भी payment होती है वो two parts में divided होती है, एक होती है पहली स्टेज एंड एक होती है दूसरी स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। व्हेनेवर यू मेक अ पेमेंट एट द फर्स्ट स्टेज, देन आप उस फर्स्ट पीरियड का तो पेमेंट करते ही करते हैं, बट उसके साथ साथ आप बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी दे देते हो कि जब भी रिन्यूअल का टाइम आएगा देन मेक श्योर यू ऑटोमेटिकली डिडक्ट फ्रॉम माई अकाउंट एंड पे टू दी मर्चेंट्स। अब उसके बाद क्या होता है, जब भी रिन्यूअल का टाइम आता है तब हम सेकेंड स्टेज में एंटर करते हैं एंड उस टाइम पे बैंक आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली मनी डिडक्ट कर देती है एंड मर्चेंट्स को पे करती है एंड आपको पता भी नहीं होता। बट अब शायद आपको पता चलेगा, कुछ नोटिफिकेशन आएगा, RBI ने ये काम अच्छा करा है आपके लिए। अब सवाल ये है कि बैंक हमें बताएंगे कैसे। तो सबसे पहली बात, जो भी RBI के रूल्स थे अगर चारों पार्टी उस पर कंप्लाई हो रही हैं देन अब बताती हूँ कि क्या क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले ऑब्वियसली वो नॉर्मल मेथड तो होगा कि एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा कि आपको OTP आएगा, आपको वेरीफाई करना होगा। उसके साथ साथ आपको एक और एडवांटेज है कि आप उसी टाइम पे सेट कर सकते हैं कि मुझे ये सब्सक्रिप्शन सर्विस कब तक अवेल करनी है, लाइक फॉर 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ्स, तो उसके बाद पेमेंट डिडक्ट नहीं होगी। पहले हम नहीं सेट कर सकते थे ये, अब हम एंड डेट भी सेट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद इट बैंक्स और मर्चेंट्स विल कम विद द फ्लेक्सिबल ऑप्शंस टू, तो काफ़ी एडवांटेज होगा हमें। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन सेट द कैप लिमिट टू, फॉर एग्जाम्पल योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड ऑटोमेटिकली, तो कभी 2000 का बिल आता है तो कभी 5000 का, बट आप चाहते हो कि यार एकदम से मत डिडक्ट करो, देन यू कैन सेट द कैप लिमिट। सो लेट्स से आपने लिमिट सेट कर दी 2000 की एंड नेक्स्ट मंथ बिल आया 2200 का, देन आपका पेमेंट डिडक्ट नहीं होगा, वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेज, जो अब रिन्यूअल पेमेंट का टाइम आएगा तब क्या होगा। तो लेट्स से अगर वो अमाउंट 5000 से ज़्यादा है देन यू विल गेट अ एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपको SMS आएगा, यू हैव टू वेरीफाई इट, तभी वो पेमेंट होगा। ऑन दी अदर हैंड इफ द अमाउंट इज लेस देन ₹5000 देन द अमाउंट विल बी ऑटोमेटिकली डिडक्टेड विदाउट AFA, बट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन प्रायर 24 आवर्स, तो आप जाके उस टाइम पे कैंसिल खुद से भी कर सकते हैं और नहीं भी, आपकी इच्छा, बट यू विल बी नोटिफाइड। बट एक प्रॉब्लम है, अगर मेरा बैंक पूरे तरीके से रेडी नहीं है तो, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि अब ना बैंक ने अच्छा खासा अपना प्लेटफॉर्म डेवलप करा पर कितने सारे मर्चेंट्स हैं जैसे Netflix, Swiggy, Zomato, Audible, तो अभी हर एक के साथ एक दिन में तो नहीं हो जाएगा ना, और अगर कुछ के साथ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। लेट मी एक्सप्लेन, जिन मर्चेंट्स ने RBI के रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं कराए तो अभी इस केस में क्या होगा कि आपकी जो भी रिकरिंग ट्रांजेक्शन होंगी वो फेल हो जाएंगी एंड इफ़ यू वॉन्ट टू अवेल द सर्विस देन प्लीज गो टू द मर्चेंट ऐप एंड मेक द डायरेक्ट पेमेंट। ओह नो, मुझे उसके लिए अलग से मेहनत करनी होगी। हाँ देते, थोड़ी तो मेहनत करनी ही होगी और ये आपको भी करनी होगी। आप अपने बैंक की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके जो फेवरेट मर्चेंट्स हैं वो एनेबल हो गए या नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं देन यू हैव टू डू लॉट ऑफ मेहनत, बट अगर हो गए देन इट्स गुड टू गो। बट लेट्स से योर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आर नॉट माइग्रेटेड टू द न्यू प्लेटफॉर्म, देन यू हैव टू रजिस्टर फॉर ईच एंड एवरी सर्विस
अगेन लास्टली मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये जो भी सर्कुलर आया था वो इनकम पेमेंट मेथड के लिए आया था. सो इट्स नॉट एप्लीकेबल टू नेट बैंकिंग. सो लेट्स से अगर हमारी ईएमआई और सेफ नेट बैंकिंग से लिंक है तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक योर सब्सक्रिप्शन सर्विसेज एंड मेक श्योर यू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स टू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अंटिल देन नेक्स्ट टाइम.